व्लॉग देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी पिंडी, और ये मोटरवे पे है अभी हम। जहान ये सोया हुआ है, अजान और अली वो है, बाकी पूरी बस का खाना आपको नज़र आ रहा होगा। देख रहे हैं आप किस अभी ये चार हुए हैं, लेकिन फिर भी फॉग थोड़ी थोड़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है। और अभी रेस्ट एरिया पे उतरेंगे बेरा या सियाल मोड़ से, तो खैर काफ़ी हम आगे आ गए। बेरा इंटरचेंज पे शायद स्टे हो इनका, फिर वहाँ के शॉट आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह से जी सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा था, और यूँ मैं सो गई थोड़ी देर के बाद, देखा तो डायरेक्ट कलर कार हम लोग पहुँच गए थे। और मैंने कहा चलिए जी ये व्यू भी आपके साथ कैप्चर करके क्यों ना शेयर किया जाए। और ये देखते हैं आप, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़, बहुत प्यारा व्यू था तकरीबन यहाँ पे। अजान इनको देख रहा था कि मम्मा ये जंगल है, मैंने कहा नहीं बेटा ये जंगल नहीं है, ये थोड़े से पहाड़ हैं। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था बिकॉज कि आपको पता है जब गाड़ी यहाँ से जो है वो चढ़ाई की तरफ चढ़ती है तब भी थोड़ा सा डर होता है, और जब उतरती है उतराई की तरफ तब भी थोड़ा सा डर होता है। और यहाँ पे जी जहान साथ मज़े ले लेकर अपना फीडर पी रहा था और साथ कार्टून देख रहा था। कि थोड़ी देर मुझे लास्ट में पता चला कि इसकी LED जो है वो ऑन होती है, मैंने कहा शायद ख़राब है इस वजह से बंद है, और जब इसको ये ऑन करके दी और फिर ये मज़े से कार्टून देखने लग पड़ा, और साथ साथ कार्टून चल रहे थे। और फिर हम टर्मिनल पे उतर गए और नेक्स्ट गाड़ी की हमने जो राइड ली और घर की तरफ हम निकल पड़े। और यहाँ पे जी फाइनल गाड़ी का, और फाइनली हम जो है वो नानू के घर पहुँच गए थे, बहुत मज़ा आया। और ये जी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, सारों ने मिलके नाश्ता बनाया किचन में, और नाश्ता बनाने के बाद जी हमने कहा जल्दी जल्दी, हम लोग बहुत लेट उठे थे सारे, तकरीबन एक का टाइम हो गया था। नाश्ता तो प्लान हमने रात को बनाया कि 10-11 बजे करेंगे, लेकिन हम लेट हो गए थे, थकावट बहुत ज़्यादा थी, और बच्चों ने आके भी रात को आराम नहीं किया। और फिर नाश्ता बनने लगा, और ये जी अंडा फ्राई हो रहा था साथ चाय। आपको पता है माँ के घर बंदा है तो सारे मैनर्स एटिकेट्स बंदा भूल जाता है, रफ टफ कपड़े, पुरानी रूटीन शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ तो बिल्कुल किचन में मैसी हुआ था, क्योंकि हम नाश्ता बना रहे थे, गैस का इशू था थोड़ा सा, हमने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और सर्व करें। और यहाँ पे जान जान हम लोगों ने सफाइयाँ की, लेकिन इनके होते हुए नो नो, देखिए आप ये क्या हो रहा है। फिर आपको नजर ही आ रहा है, तो चलो जी फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है आपसे। ये है जी इवनिंग का टाइम, ऑलवेज लाइक करते हैं हम जी मैक्रोनीस या मैक्रोनी बनी। आज खाना सिर्फ बनानी है, कल सर खुद बनाऊंगी इंशाल्लाह। फिर मैं भी सोई उठी, मैं नींद पूरी कर रही हूँ, सिर्फ मैं घर भी सोई रहती हूँ, ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आके सोती हूँ, मैं घर भी सोई रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आज सोई हूँ। यहाँ पे जी अच्छा ये खाने के बाद जी मिर्चों वाले, आधा खाने के बाद पता लगा है मिर्चों वाले। तो यहाँ पे जी मटर पुलाव आई थी सो बना हुआ है, क्योंकि मैं सोई हुई थी, और यहाँ पे मैक्रोनीस बॉयल हो रही है, और यहाँ पे अजान ने विश की कि मैंने खाना है। घर ही होता तो इसकी मैं विश बहुत अच्छे से पूरी करती, लेकिन मैं इधर आई हुई हूँ, इस वजह से उसने नूडल्स खा के लिया यार, कहता मुझे अभी बना के दो खाना साथ में, फिर मैंने सिर्फ बना। यहाँ पे फाइनल हो गया था, हम लोगों ने मैक्रोनीस बना ली थी, मैंने कहा चलिए ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए बहुत मज़े की बनी थी मैक्रोनीस की रेसिपी, मेरे ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। मुझे तकरीबन खाना लग चुका था और ये खाना खाने लगे थे। यहाँ के तकरीबन खाना खाने के बाद थोड़ी सी हम लोगों ने गप शप लगाई, और फिर यहाँ पर जी आ गया था मीठा ब्राउनीज, और ऑलवेज पेस्ट्री मेरी फेवरेट, जैसे कि मेरे जो हैं जीजू समझ लें वही लेके आए। और फिर हम लोगों ने खाया पेस्ट्री,
और होपफुली सी आज की रूटीन आपको पसंद आई होगी। मेरा ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट से ब्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।